हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राकेश सहा ब्लॉग्स। तो गाइज, मेरा नाम है राकेश। तो गाइज, आज हम जाने वाले हैं, आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा, ये मेरा दोस्त है, ये ब्लॉग बनाता है डेली ब्लॉग, सुरेंद्र ब्लॉग्स के नाम पे इसका चैनल है। तो आज संडे है, तो आज घूमने का प्लान बनाया है, चले चलते हैं। अच्छा अच्छा वीडियो सब आएगा सिनेमेटिक वे में, तो चलो जाते हैं। सो फाइनली गाइज, आप लोग देख सकते हैं, ये टिकट यहाँ का 25 रुपीज़ पर पर्सन देख सकते हैं। हम दो हैं तो इसीलिए 50 रुपये। तो चलिए अंदर चलते हैं, घूमते हैं। सो गाइज, हम लोग एंट्री कर चुके हैं उदयगिरी के अंदर। आप लोग देख सकते हैं कितना भीड़ भाड़ है आज, बहुत भीड़ है आज पूरा। और गाइज देख सकते हैं, फ़ोटो शूट ले रहे हैं यहाँ पे सब कोई, और इधर भी फ़ोटो शूट, ओनली फ़ोटो शूट। बहुत खूबसूरत प्लेस है ना, इसीलिए मज़ा आता है यहाँ पे। मैं इससे पहले 3-4 बार आ चुका हूँ उदयगिरी, तो आज भी मौका मिला है तो घूमने के लिए आ गए। अभी यहाँ पे उदयगिरी में है, तो यहाँ पे ख़त्म करने के बाद खंडगिरी जाएंगे। आप देख सकते हैं बस सामने ही है खंडगिरी, वहाँ पे एक मंदिर भी है, तो आगे जाएंगे। सो गाइस देख सकते हैं, पूरा खंडगिरी में भी बहुत भीड़ भाड़ है पूरा। आप देख सकते हैं, जूम करके दिखाता हूँ मैं, आज बहुत भीड़ है पूरा, बहुत भीड़। सो फाइनली गाइस, हम लोग ऊपर आ चुके हैं। अभी बहुत तेज़ धूप हो रहा है आज पूरा, फिर भी आज पूरा मेहनत करके वीडियो बनाना पड़ेगा पूरा। देख सकते हैं यहाँ ऊपर से पूरा। सो फाइनली गाइस, हम लोग पूरा ऊपर आ चुके हैं हिल टॉप पे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा पूरा, बहुत ही खूबसूरत व्यू। और उधर एरोड्रम है, आप जस्ट बरमुंडा बस स्टैंड से आगे है ये, तो उधर से होके आ सकते हैं वो हाईवे। सब कोई अभी फ़ोटोशूट पे बिजी है, आप लोग देख सकते हैं गाइस, बहुत धूप हो रहा है फिर भी लोग मज़े ले रहे हैं, पूरा मज़े ले रहे हैं। और इनका तो जवाब ही नहीं फोटो लेने के लिए। सो गाइस, यहां से देख सकते हैं पूरा भुवनेश्वर सिटी व्यू। सो गाइज, इसको बोलते हैं मैंगनीज पत्थर, मैंगनीज रॉक है, जो कि उड़ीसा में बहुत मिलता है। हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा उड़ीसा में ही मिलता है ये पत्थर, लाल पत्थर, मैंगनीज रॉक। सो फाइनल गाइज, पीछे देख सकते हैं ये गणेश गुफा है उदयगिरी का, बहुत पुराने ज़माने से है ये सब। और पीछे देख सकते हैं ये पत्थर हाथी, जो कि पत्थर का है। इस पत्थर से देख सकते हैं बनाया गया है पूरा, उड़ीसा का कारीगरी कैसा था आप लोग को शायद पता चल रहा होगा यहाँ, ये देख के, ये हाथी और ये भी, और ये गुफा, बहुत ही खूबसूरत प्लेस उदयगिरी। तो फाइनली गाइस, हम लोग बहुत घूम चुके हैं, बहुत धूप हो रहा है इसीलिए पेड़ के नीचे अभी बैठे हैं थोड़ा सा। बहुत धूप है यार, बहुत धूप भाई, कैसा लग रहा है या आई नीड वाटर, वी नीड वाटर, बट हम लोग भूल गए वाटर लाने के लिए। सो गाइस, हम आते आते यहाँ पे अब हम लोग को छोटा सा तालाब टाइप का दिखा, बहुत पहाड़ के ऊपर ये जस्ट पानी ग्रीन टाइप का, बहुत मैला है पानी, जो कि एमरजेंसी में काम आ सकता है।
बहुत यूजफुल होने वाला है ये भी। तो चलिए आगे चलते हैं। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं ये रानी गुफा के साइड। रानी गुफा देख सकते हैं ये पीछे मेरा, बहुत ही खूबसूरत प्लेस। इसका देख सकते हैं कैसे बनाया गया है, इसे पत्थर से। सो गाइस देख सकते हैं ये रानी गुफा उदयगिरी में, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है पूरा। और जस्ट नीचे ये पूरा फ्लावर्स गार्डन टाइप का, पूरा गार्डन जैसा है, बहुत सारे फूल पेड़ पौधे। चलो चलते हैं इसके ऊपर और इसके अंदर क्या क्या है इसके भीतर दिखाते हैं आपको। तो चलिए चलते हैं। गाइस देख सकते हैं उदयगिरी के जस्ट ऊपर हेलीकॉप्टर गुजर रहा है यहाँ से, पूरा गर्जनाहट करके पूरा हेलीकॉप्टर। ट्रैकिंग करते हैं थोड़ा रानी गुफा के ऊपर चलते हैं। ये जस्ट रास्ता पत्थर से होके पूरा सो गुफा के अंदर थोड़ा चलते हैं, देखते हैं क्या है पूरा कैसा है। यहाँ से पूरा पत्थर के मूर्ति सब दिखाई देगा पूरा। और ये रहा गुफा, अंदर घुसते हैं। बहुत तेज धूप हो रहा है तो अंदर अभी अंदर तो थोड़ा अंदर ठंड है पूरा, मज़ा आ रहा है। देख सकते हैं गाइस पूरा अपने घर जैसा फील हो रहा है। अबे भीतर पूरा भी फ्लैश लाइट ऑन करना पड़ेगा इसमें। देख सकते हैं गाइस गुफा के अंदर भाई पानी है वे, पानी सब कहाँ से आया? अरे इसके अंदर पानी सब है भी, गजब है पायन से भी। मेरे दोस्त के साथ हम लोग बाहर भीतर है अभी, ये रानी गुफा के अंदर पूरा देख सकते हैं। पूरा पसीने से पूरा, मतलब बहुत धूप हो रहा है ना आज तो, पसीना पसीना हो गया है पूरा भाई, ऐसा लग रहा है बहुत गर्मी है। यहाँ पे आके सुकून लग रहा है यार, एसी हो गया, एसी देख रहा है थोड़ा सा अंदर। यहाँ पे थोड़ा इको हो रहा है, गुफा है ना देख सकते हैं पूरा ये। तो गाइस देख सकते हैं उदयगिरी का ये सब गुफा, ये रानी गुफा बोलते हैं इसको। जस्ट मैं अंदर जाकर दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, और भीतर आप लोग देख सकते हैं ये अंदर गुफा के अंदर कुछ ऐसे है पत्थर का, पूरा पत्थर से पत्थर को काट के पूरा ये सब बनाया गया है जस्ट। और अरे ऊपर भी कुछ ऐसा ही है, चूहे सब है इसके अंदर, आवाज़ सुनाई दे रहा है पूरा, पूरा अंधेरा है गुफा के अंदर। फ्लैश लाइट ऑन करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं गुफा जस्ट रानी गुफा के अंदर ये। तो चलिए चलते हैं नीचे। सो गाइस हम लोग उधर से होके आए इधर पूरा और ख़त्म कर लें यहाँ पे जितना दिखाना था पूरा रानी गुफा के अंदर। और नीचे भी देख सकते हैं काफ़ी सारे गुफा पूरा। सो अगर इसके बारे में पूरा डिटेल्स में आप लोगों को जाना है तो आप लोग गाइडर ये कर सकते हैं, ये देख सकते हैं गाइडर गाइड कर रहे हैं इन लोग को, पूरा गाइडेंस ले सकते हैं पूरा इसके बारे में जानने के लिए पूरा डिटेल्स में। उदयगिरी कलिंग उत्कल और ऊपर खंडगिरी है, अभी जाएंगे यहाँ से ख़त्म करने के बाद खंडगिरी। तो बने रहिए ऐसे वीडियो पर, उदयगिरी में बहुत सारे ऐसे ही गुफा सब देखने को आपको मिल जाएगा। पूरा पत्थर से बनाया गया है, पूरा पत्थर को उड़ीसा के सब कारीगर ने इसको बनाया था, बहुत पुराना गुफा सब। देखिए यहाँ से कितना मस्त लग रहा है ये गुफा, बहुत खूबसूरत है देखने में, इसीलिए बहुत सारे लोग बाहर से फॉरेन से भी आते हैं, फॉरेन से भी यहाँ घूमने के लिए बहुत सारे आते हैं फॉरेनर्स। बट विंटर में काफ़ी अच्छा है यहाँ पर घूमने के लिए, अभी तो बहुत तेज़ धूप हो रहा है, मार्च का महीना है ना, बट आप विंटर में आ सकते हैं, बहुत अच्छा है।
ठंड के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है घूमने के लिए, देख सकते हैं ये गुफा। लोग उदयगिरी में सब खत्म करके अभी बाहर जाएंगे। तो गाइस वीडियो तो फाइनली है, उदयगिरी से हम लोग बाहर आ चुके हैं। देख सकते हैं लस्सी दुकान में अभी पानी पी रहे, थोड़ा सा बहुत धूप हो रहा है ना, पानी नहीं पिए थे बहुत समय से। तो अभी ओके, और कुछ पीना है और कुछ खाना है।